भोपाल उत्सव मेला समिति अपने रजत जयंती वर्ष में भोपाल वासियों को एंटरटेनमेंट का डबल डोज देने जा रही है। 1 जनवरी से शुरू हो रहे इस 45 दिवसीय मेले में जहां एक ओर मेला परिसर में स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे, वहीं दूसरी ओर शहर के अलग अलग सभागारों में बॉलीवुड के जाने माने कलाकार सुरों की महफिल सजाएंगे। भोपाल उत्सव मेला समिति ने हर आयु वर्ग के दर्शकों का ख्याल रखते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का चयन किया है। राजधानी भोपाल के होटल पलाश में आयोजित प्रेस वार्ता में मेला समिति के महामंत्री संतोष अग्रवाल ने कहा कि इस बार रजत जयंती वर्ष में मेला समिति पहली बार 3 जनसेवा से जुड़े कार्य करने जा रही है। पहला, विदर्भ में आत्महत्या कर रहे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए उनकी संतरों की फसल सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए हम निःशुल्क जगह प्रदान कर रहे हैं। दूसरा, मेले के दौरान 17 जनवरी को विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। और तीसरा कार्य गरीब लोगों से जुड़ा है, जिसमें समिति 1 से 15 जनवरी के बीच गरीब लोगों में लगभग 1000 कंबल का वितरण करेगी। उन्होंने कहा कि इस बार भी मेले में उत्सव, व्यापार, मनोरंजन और सेवा का मिलाजुला रूप देखने को मिलेगा। मेले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इलेक्ट्रिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, आईटी, होम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, हैंडलूम आदि उत्पाद बिक्री हेतु उपलब्ध हैं। यहाँ मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्य की प्रदर्शनी भी बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगी। मेले में इस बार बच्चों के लिए कैटरपिलर, हेलीकॉप्टर, जंपिंग वॉल सहित 40 झूले आकर्षण का केंद्र रहेंगे। मेले में इस बार जापानी तकनीक से बनी लाइटिंग भी लोगों को खूब आकर्षित करेगी। साथ ही मेला प्रांगण में 12 ज्योतिर्लिंग के साथ इस बार 24 फीट ऊंचा महाकालेश्वर शिवलिंग की आकर्षक झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी। 25वां रजत जयंती वर्ष भोपाल उत्सव मेले का, और मैं आपको ये बता दूं कि हम इतने साल से मेला लगा रहे हैं और आज इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जो कि मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा मेला माना जाने वाला है। और दूसरी बात यह है कि खास तौर पे कि जो हम देख रहे हैं, जो फीडबैक मिल रहा है, जिस बार हमारी दुकानों की बुकिंग हुई है, जो लोग वहाँ से आ रहे हैं, बाहर से, दूसरे स्टेट से जो लोग आ रहे हैं, विदर्भ से लोग आ रहे हैं, दिल्ली से लोग आ रहे हैं, मथुरा वृंदावन से लोग आ रहे हैं, दिल्ली से लोग आ रहे हैं, मतलब बाहर के गुजरात से लोग आ रहे हैं। इस मेले की इतनी पब्लिसिटी है, पॉपुलैरिटी है कि वो लोग यहाँ आके मेले में आते हैं। और मैं आपको बताऊँ कि 25 से 30 लाख लोग मेले के अंदर शिरकत करते हैं। उस सबका हर आदमी एडवांटेज देना चाहता है। हमारी एक दुकान भी खाली नहीं रहती है, दुकानों की अभी भी कतार है, लेकिन हमारे पास सीमित जगह होने की वजह से हम सीमित जगह में देते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन है, फर्नीचर का सेक्शन है, फूड सेक्शन है, और इसके अलावा जो हमारे पास सबसे बड़ा आकर्षण है झूले का, वो झूले मध्य प्रदेश में ऐसे झूले कहीं नहीं है। और इस बार नई टेक्नोलॉजी के साथ झूले लेके आए, जिसमें जैपनीज टेक्नोलॉजी है, LED लाइट्स हैं, जैपनीज लाइट्स हैं, जैपनीज झूले भी हैं, जो कि लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। पहली बार उन्होंने एक बोट बनाई, बोट चलाई है मेले के अंदर, पानी के अंदर, जो बच्चों को बहुत आकर्षित करेगी। ऐसा झूला वो पहले कभी नहीं लाए। झूलने के और भी आकर्षण है जो नए उन्होंने मेले के अंदर लेके आए हैं। तो झांकी अगर आप देखेंगे तो कुंभ को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में एक कुंभ उज्जैन में लग रहा है, और हम लोगों को उत्साह है उसका भी, तो उसी को देखते हुए 12 ज्योतिर्लिंग की हमने झांकी बनाई है मेले के अंदर। खास तौर पे महाकाल का शिवलिंग है, उसको हमने आकर्षित रूप से बनाया है, तो वो भी एक मेले का बहुत बड़ा आकर्षण है। साफ सफाई, सिक्योरिटी, लाइटिंग, सब चीज़ का ध्यान रखा गया है। धूल मुक्त मेला है और कंटिन्यूस 24 कैमरे CCTV के लगे हुए मेले के अंदर रहेंगे, जो इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई अनसोशल एलिमेंट मेले के अंदर नहीं आए। जी, 1000 कंबल हमने समिति ने तय किया है, और अगर इससे ज़्यादा भी ज़रूरत हुई तो हम उससे ज़्यादा भी बांटेंगे, लेकिन हम ज़रूरतमंद को पहुँचे वो कोशिश करेंगे। ऐसे नहीं बांटेंगे कि लोग उसका दुरुपयोग करें या उसको बेचें। हम कोशिश करेंगे कि हम खुद जा के लोगों को मेले के दौरान, गरीब लोगों को, फुटपाथ पर लोगों को, उनमें प्रेस के माध्यम से आप बताएंगे हमें, तो हम उन लोगों को भी कंबल बांटेंगे। और आप कहेंगे कि साहब 5 कंबल हमारे इधर प्रेस कॉम्प्लेक्स में लोग हैं, तो हम उनको भी जाके कंबल दे देंगे, आपको दे देंगे, तो वो कंबल आप भी वहाँ पे बांट सकते हैं। ये सेवा का काम भी कर रहे हैं। और मैंने विदर्भ का बताया, विदर्भ के किसान कम से कम 5 ट्रक ऑरेंजेस लेके भोपाल में आएंगे, और उनका माल जो बाजार में बिक रहा है उससे आधे दाम में वो माल बेचेंगे, तब भी उनको डबल फायदा होगा। क्योंकि अगर यहाँ 10 रुपये किलो उनका मंडी में माल बिक रहा है, आज 40 रुपये किलो रिटेल के अंदर संतरा बिक रहा है, जो मेले में लोग आएंगे
उन सबको डिस्काउंटेड रेट पे ऑरेंज मिलेंगे, वो पैसा डायरेक्ट किसान को मिलेगा, उससे किसान को फायदा होगा। तो ये सब हमारे मेले का आकर्षण है और मेले के अंदर बहुत साज सज्जा भी हम कर रहे हैं इस बार। भोपाल से EMS TV के लिए कैमरामैन डैनी खान के साथ राम पवार की रिपोर्ट।